बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो बेसिकली एमसीक्यू फाइल है ना आपके पास, इसमें आपके जो मेजॉरिटी मुश्किल पेपर्स है, क्वेश्चन है, वो हैं, तो हम वो सारे अभी करेंगे। इससे हम क्वेश्चन नंबर इससे स्टार्ट करें, 9 से। ये कह रहे हैं, ऑन 31 जनवरी सुमराज बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 740। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है, कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक ही फाउंड द फॉलोइंग, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और उसके बाद आपका लिखा हुआ है, चेक्स पेड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक। अच्छा, अगर आप लोग फॉर्मेट देखो, इसमें आपको दिया हुआ है बैलेंस एज पर बैंक। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में यहाँ पे बैलेंस कितना आपको दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे फॉर्मेट आपको क्या दिया हुआ है, बेसिकली आप करते हो, ये मैं हटा दूं, बेसिकली आप करते हो एड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, एड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। सो बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ है, एड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है चेक्स पेड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, तो आपका ये कितना है, 740। ऑल राइट, तो आपका बैलेंस कितना था, 740। अब आप क्या करोगे, 150 सब्ट्रैक्ट कर दे, क्यों, क्योंकि लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, 740 माइनस 150 कितना होता है आपके पास, 590। तो आपका आंसर क्या है, ए। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन, इसमें लिखा है, व्हाई शुड अ ट्रेडर प्रोवाइड फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट का है, बेसिकली जिस ईयर के आपके इनकम्स आते हैं उसी ईयर से रिलेवेंट आपने एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। ऑल राइट, तो पहला, टू मैच द कॉस्ट अगेंस्ट द रेवेन्यू, तो ये हम एग्री करेंगे इस बात से, यस। टू प्रोवाइड अ कैश फंड टू अनेबल द एसेट्स टू बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, कभी भी हम ये कैश फंड की नियत से करते ही नहीं है, दिस इज नॉट द रीजन वाई वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। To recognize that most current assets lose value with passage of time, this is true. Depreciation होती क्यों, क्योंकि obsolescence या फिर wear and tear, या तो asset पुराना हो जाता है, जैसे आपने computer या technology related item जो पुराना हो गया, या फिर wear and tear हो गया। खैर, anyways, to recognize that most assets lose value, number 3 हो गया। Number 4, to spread the cost of assets over its expected life, तो 4 भी हो गया। So according to this, our answer is B. All right, let's move on to the other question. Question number 13. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आप लोगों ने वर्किंग करनी है। इसमें लिखा हुआ है, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेस्ड, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेस्ड, इट हैज अ यूजफुल लाइफ 5 इयर्स की, रेजिडुअल वैल्यू 3,000 की। ठीक है, हम इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड वॉज इंक्लूडेड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इट वॉज देन फाउंड दैट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 30% शुड हैव बीन यूज, यानी हमने गलत मेथड यूज किया। तो हम पूछ रहे हैं, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। सबसे पहले आप ये करोगे, आप देखोगे कि आपने अभी जो डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया उस पर उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया। तो इसका तरीका ये है, 20,000 माइनस 3,000 एसेट्स माइनस इट्स रेजिडुअल वैल्यू, जो कि आपका बनते हैं 17,000। 17,000 को आप डिवाइड करोगे, 17,000 डिवाइड बाय इट्स यूजफुल लाइफ, जो कि आपकी है, बनती है 3,400। तो बेसिकली आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है, 3,400, मगर आपको चार्ज कितनी करनी चाहिए थी, 30%। तो 20,000 का 30% कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 30%, तो ये किसके बराबर होते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30% होते हैं बराबर 6,000 के, कितने के, आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है, एग्जैक्टली, और सिक्स, आपने 3,400 डेप्रिसिएशन चार्ज की है, और आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी करनी चाहिए थी, 6,000 आपने चार्ज करनी चाहिए थी। व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट वॉज ओवर स्टेटेड, 6,000 माइनस 2600, क्यों, क्योंकि आपने कम एक्सपेंस चार्ज किए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट, सॉरी मैंने 2600 लिख दिया, 3400 है, आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, क्यों, क्योंकि आपने कम डेप्रिसिएशन चार्ज किए, अगर आप ज्यादा कर लेते तो अंडरस्टेट हो जाता। एनी कंफ्यूजन गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अब हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अंजुम रेंट्स पार्ट ऑफ अ प्रेमिसेस टू अजय, अंजुम अपना प्रेमिसेस रेंट पे देता है अजय को, ठीक है, 6120 पर एनम। देखो, अगर वो 6120 पर एनम कह रहे हैं, तो अभी से मैं अपनी जिंदगी थोड़ी आसान करूं, पर महीना कितना हो गया, 6120 डिवाइड बाय 12, 6120 डिवाइड बाय 12 क्या होता है, तो ये हमने कर लिया, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर अजय हैड पेड 2 मंथ्स रेंट इन एडवांस, एट द एंड ऑफ द ईयर अजय हैड पेड 3 मंथ्स रेंट इन एडवांस। पहली बात तो आप लोगों ने सबसे पहले इससे बताना, ये इनकम अकाउंट है या एक्सपेंस अकाउंट है, हाँ इनकम अकाउंट है, हम अंजुम के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, अंजुम को इनकम मिल रही है, अंजुम को रेंट मिल रहा है, अंजुम रेंट दे रहे है? मिल रहे, अंजुम रेंट्स पार्ट ऑफ अ प्रेमिसेस टू अजय, अजय दे रहे हैं ना अंजुम को,
इसका मतलब है ये इनकम अकाउंट है. इनकम अकाउंट होता है आपा. क्या होता है इनकम अकाउंट? अक्रूड प्रीपेड, प्रीपेड अक्रूड. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास लिखा हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अजय हैड पेड टू मंथ्स रेंट इन एडवांस. टू मंथ्स रेंट, एक महीने का रेंट कितने? 510. 510 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे. 510 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है आपके पास? 510 मल्टीप्लाई बाय 2 होते हैं 1020. तो यहां पे आपने ये होता है ए, मैं सारी आप लोगों के लिए आसानी भी कर दूं, ये होता है ए, ये होता है पी, वापस यहां आते पी और यहां पे आते ए. बताओ बैंक कहां पे आते स्टूडेंट्स? ये उंगली से नहीं बताओ, डेबिट क्रेडिट बताओ, बड़े हो गए हो माशाल्लाह से. बैंक किस साइड पे आते इनकम अकाउंट में? शाबाश. क्रेडिट या डेबिट या अगर दोनों ही बोल रहे तो फायदा बताने का यहाँ पे, जाहिर सी बात है आप लोगों को मैंने बता दिया बैंक. खैर गुड, तो आपको प्रीपेड में कितना अमाउंट जाएगा? 510 मल्टीप्लाई बाय 2. 510 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने आपको कितना बताया था? 1020, यानी प्रीपेड है 1020. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा? 6120, क्योंकि ठीक है इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा? 6120, सही है. एट द एंड ऑफ द ईयर अजय हैड पेड 3 मंथ्स रेंट इन एडवांस. तो एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे होते 3 मंथ्स रेंट कितना होता है? 510 मल्टीप्लाई बाय तो वो होते 1530. वो कह रहा है हाउ मच रेंट वाज रिसीव्ड, यानी हमें बैंक का निकालना है. तो 6120 प्लस 1530 करोगे माइनस 1020, तो आपके पास आ रहे 6630, जो कि आंसर सही है. ये सवाल मुझसे पूछे स्टूडेंट ने कि 1020 कैसे आया, यही सवाल है आपका. पहली बात आपको पता है कि मैंने 1020 क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है? इनकम अकाउंट है, प्रीपेड है. ठीक है, 1020 इस तरह आया, 6120 मंथली एनुअल रेंट है. एनुअल में मतलब साल का, साल में कितने महीने होते हैं? 6120 डिवाइड बाय 12, यानी महीने का कितना रेंट है? 510. उसने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने मंथ्स का रेंट एडवांस में दिया? दो मंथ्स का. अगर एक महीने का 510 है, दो मंथ्स का 1020 हो गया, इसलिए 1020 लिखा. समझ आया? 510 मल्टीप्लाई बाय 2. मूविंग ऑन क्वेश्चन 16. क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं बिजनेस मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% ट्रेड रिसीवेबल्स. द बैलेंस ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दिया हुआ था, पहले का बैलेंस आपको दिया हुआ 2700. ठीक है, इस साल ट्रेड रिसीवेबल्स आके 50,000 है. ऑलराइट, इस साल ट्रेड रिसीवेबल्स आके 50,000 है. सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, आपने इस साल का निकालने की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा. किस तरह आप निकालोगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये आपका मेरा ख्याल आएगा 2500. 10% 5000 होते हैं, हमने 5% लिया, मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आ रहा है पीयूष, मुझे आप बताओगे? 2500 आ गया. ठीक है, अब पहली बात, बेसिकली आपका पिछले साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कितना था? 2700. इस साल है 2500. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है. हमने जब भी हमने बात की है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब भी डिक्रीज होता है, इट इज एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट, एडिशनल इनकम में. हमने 50,000 मल्टीप्लाई में 5% किया, 50,000 ट्रेड रिसीवेबल्स थे, मल्टीप्लाई में 5% किस तरह हमें पता चला 2500 है. डिक्रीज हुआ कितने से? डिक्रीज हुआ 200 से, तो हम ऐड करेंगे टू आर ग्रॉस प्रॉफिट और इसे डेबिट कर देंगे, तो हमारा आंसर सी हो जाता है. अब लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंडी वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट, इसमें लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंडी वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट कॉस्ट. द वैल्यूएशन इनकरेक्टली इंक्लूडेड डैमेज गुड्स कॉस्टिंग 300. सिंडी एस्टिमेटेड दीज कुड बी सोल्ड फॉर 100. बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपकी इन्वेंट्री जो होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, या तो वो कॉस्ट पे आप मेजर करते हो या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे आप मेजर करते हो. ऑल राइट, इसको सबसे अच्छा करने का तरीका, आप अगर एक रफ से एक अपने ओन क्वेश्चन बनाओ. लेट्स हम सेल्स अज्यूम करते हैं, सेल्स हमने अज्यूम किया 1000 है. ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री हम जीरो लेते हैं, हम परचेजेस लेते हैं डायरेक्ट. हम कहते हैं कि परचेजेस आपके 500 है और हमने अज्यूम किया कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, इस केस में अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री हम अज्यूम नहीं करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वो लेंगे सारी. ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है 300. ठीक है, आप क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करोगे? बेसिकली सब्ट्रैक्ट करोगे. क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, COGS आ जाएगा. 500 माइनस 300 होते हैं 200. ये आप सेल्स में से माइनस करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है? 800. अभी तक हमने जो वैल्यूज ली है ये सारी
वो है हाइपोथेटिकल सिवाय क्लोजिंग इन्वेंट्री के. सवाल आपसे कह रहा था सिंडी एस्टिमेटेड दीज गुड्स कुड बी सोल्ड फॉर 100. ठीक है, सिंडी ने क्या एस्टिमेट किया 100. अब अगर मैं सारा सिनेरियो वही रखता हूं, सेल्स मैंने रखी 1000, मैंने कहा मेरे परचेजेस हैं 500 और इस दफा क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने चेंज कर दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी है 100, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 400, 500 माइनस 100 400, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितने 600, ग्रॉस प्रॉफिट कितने 600. इसका क्या मतलब है कि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री गिरती है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आपका हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो गया. पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 800, अब कितना हो गया 600. क्लोजिंग इन्वेंट्री जब भी इंक्रीज होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी जब इंक्रीज होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है. अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ है, गिर गया. तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होती है ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज होता है. तो इसका क्या मतलब है कि अभी जब हम इसे करेक्ट करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा. ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को क्या रूल समझाया है, इसके मुताबिक जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्योंकि हमने 300 से 100 डिक्रीज की है, कितने से डिक्रीज हुई है 200 से डिक्रीज हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आकर डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी, नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, ये तो कॉन्सेप्चुअल बात है. और करंट एसेट था हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, हमारी करंट क्लोजिंग इन्वेंट्री 200 से कम हुई, यानी हमारा करंट एसेट 200 से कम हुए. ऑलराइट, आप में से किसी को अभी भी यहाँ पे ऐसा है कि कुछ समझ ना आया हो कि मैंने क्या किया, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ आई है जो मैंने प्रूव की है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे 200 से डिक्रीज हुआ है 17 का, इसलिए आंसर ए है. एनी कंफ्यूजन सो फार? अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. आपको कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, बताओ मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में. हाँ बताओ जी, जी एग्जैक्टली. तो देखो, एक ये था बेसिकली कॉन्सेप्चुअल. एक और अच्छा तरीका है कि आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो रहा है, कम हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है. आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है. आपका नुकसान कितने से हुआ है, 200 से आपका नुकसान हुआ है. तो अगर 200 से नुकसान हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 200 से गिरेगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी 200 से गिरेगा, और ये हमारे एसेट्स, तो एसेट भी हमारे 200 से गिरेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं, अ स्टोर हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. द ओनर इन्वेस्टेड 20,000 कैपिटल, 2,000 वॉज पेड टू ट्रेड पेबल्स, अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 5,000 वॉज रीपेड. ठीक है, आप लोग मुझे बताओ, आपका बेसिकली वर्किंग कैपिटल आपने निकाल लें. वर्किंग कैपिटल क्या होता है मुझे ये बताओ, जो इन्वेस्टर. वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है, आपका वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे खर्चे के लिए जो आपके पास पैसे होते हैं, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, ये लिख देता हूँ, इतना लंबा ना हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यही होता है. ठीक है, ओनर इन्वेस्टेड 20,000 कैपिटल, इसका मतलब कैश कितना आया बिजनेस के अंदर 20,000. इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, हमारे करंट एसेट्स कितने से बढ़े 20,000 से, जी बी होगा, किस बेसिस पे आपने बी बताया. अच्छा, अब बच्चे बेसिकली क्या करते हैं इसमें करेंगे, वो 2,000 माइनस कर देंगे और 5,000 माइनस कर देंगे, तो वो कहेंगे 13,000 आंसर है, जो कि गलत है. अब वो गलत क्यों है, देखो आपने जब 2,000 अपने ट्रेड पेबल को पे किया, आपने क्या पे किया, 2,000 ट्रेड पेबल को पे किया. ठीक है, जब आप 2,000 पे करते हो तो आपकी करंट लाइबिलिटी गिर जाती है. करंट लाइबिलिटी कितने से गिरी, 2,000 से. और दूसरी चीज के आपने जब पे करा किसी को, आपने कैश या बैंक जो भी पे किया, आपका एसेट भी, करंट एसेट भी गिर गए, करंट एसेट भी आपके गिर गए, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बेसिकली इक्वल कैंसिल आउट कर दिया. इसलिए ये जो होगा, जो 2 वाली एंट्री होगी, इसका अफेक्ट नहीं होगा. आपका बेसिकली करंट एसेट भी गिर गया और आपका वो भी गिर गया, तो बेसिकली दोनों क्या हो गए, इक्वल आउट.
दोनों नेगेटिव जब आप करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करोगे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल आउट। और फिर आपका लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन जब आपने पे किया है तो आप मानते हो कि आपने कैश या बैंक जिसके थ्रू पे किया आपका करंट एसेट बेसिकली गिरा है, तो बेसिकली आप क्या करोगे डायरेक्ट 20,000 माइनस 5,000 कर दोगे तो आपका 15,000 आ जाएगा आंसर। अच्छा अब हम आ गए कंपनी क्वेश्चन के ऊपर, इसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन दी हुई है On 31st December 2019, it was decided to use the remaining profit to pay a final remaining profit. इस्तेमाल किया लफ्ज remaining profit. देखो आप लोगों का करंट प्रॉफिट जो था वो 13,000 था, इस 13,000 में से आपने जनरल रिजर्व में पैसे दिए और इसी 13,000 में से आपने अपना इंटरिम डिविडेंड दिए, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा 13,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000, ठीक है? तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा 13,000 माइनस 9,000, यानी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 4,000 है, ये 4,000 बेसिकली आपने डिस्ट्रीब्यूट करने। अब देखो कितने, एक शेयर $1 का है, यानी 50,000 लिखा हुआ है, 50,000 शेयर है, कितने शेयर है आप 50,000 शेयर बेसिकली आपने 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो आप करोगे 4,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर होता है मैं गैप देके देख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ जाता है 8%, ठीक है? तो इस तरह आपका आंसर आ गया 8, सही है? ये पूरा ये सॉल्व पूरा साल का करा दूंगा ताकि फिर आप लोगों को छुट्टी जो भी हो देने दे दूंगा। 27 पे हम आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली आपने जो डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी है आप 29 और 82 को ऐड कर दोगे, या कि बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट है, तो 29 + 82 111,000। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 31 पे हम आते हैं। जे हैड करंट लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड पेबल्स एंड करंट एसेट्स ऑफ इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एट बैंक, व्हिच मेजर्स वुड इंप्रूव हिज करंट रेशियो, ठीक है? सो बाइंग एडिशनल इन्वेंट्री एंड पेइंग इन कैश, इससे तो नहीं होगा। डिक्रीजिंग ड्रॉइंग्स, इससे आपके बेसिकली क्या होंगे कि आपका करंट रेशियो इम्प्रूव कर जाएगा आप ड्रॉइंग्स जब आप कम लोगे, क्योंकि आप ड्रॉइंग्स अगर ले रहे हो इन्वेंट्री वगैरह में से अगर आप ले रहे हो तो उसमें से आपका फायदा हो जाएगा, बचत हो जाएगी, आपके कम हो जाएगा या कैश वगैरह जो भी है कम जाएगा। खैर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 32 पे हम आते हैं। फ्लो एंड मो आर ट्रेडर्स सेलिंग सिमिलर गुड्स एट सिमिलर प्राइसेस, दे प्रोवाइड द फॉलोइंग, व्हिच ट्रेडर हैज बेटर कंट्रोल ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। देखो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर देखें हम तो फ्लो का ज्यादा है, ठीक है? सो व्हिच ट्रेडर हैज बेटर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, फ्लो का सेल्स ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कम है तभी उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। और फिर आपके पास है प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो तो आपके पास है इसमें प्रॉफिट मार्जिन 8% है मो का और प्रॉफिट मार्जिन फ्लो का 10%, तो मोस्ट लाइकली सब इसका आंसर करेंगे ये, मगर ये गलत है। क्यों? लॉजिकली अगर आप लोग देखो, अगर लेट से 100,000 मेरी सेल्स है, 100,000 मेरी सेल्स है, 50% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, इसका मतलब 50,000 मेरा क्या है, 50,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है? और मेरा प्रॉफिट मार्जिन 10,000 है, सही है? मेरा 10,000 है, यानी मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, मेरे एक्सपेंसेस थे 40,000, मेरे एक्सपेंसेस थे 40,000। इसी तरह अगर मैं मो का या मोज इसका देखूं, अगर मैं 100,000 सेल्स लेता हूँ इसकी, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना था बेसिकली, इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 40%, यानी 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है? और अगर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 8%, यानी 8,000, तो 40,000 माइनस 8,000, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है 32,000, तो बेसिकली 32,000 एक्सपेंसेस इसके हैं। तो बताओ एक्सपेंसेस किसके कम है, फ्लो के ज्यादा कम है, मो के ज्यादा कम है, इसलिए इसका आंसर बी है। तो ऐसे सवाल में बेहतर यही होता है कि आप लोग एक फिगर लो 100,000 या 100 जो भी आसान फिगर, और उसको करके देख लो और अपना फाइनल आंसर उसके ऊपर कर दो। चलो अस्सलाम वालेकुम।